दलजीत ने बताया कि 7 साल तक खुद को फिर से प्यार करने के लिए मनाने की बहुत जद्दोजहद की। शुरू में जब भी कोई मेरे साथ फ्लर्ट करता तो मुझे बुरा लगता था। मैं इसे बहुत पर्सनली लेती थी कि आपकी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई। मुझे एक ऐसे मुकाम पर आने में कुछ साल लग गए जब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिंगल हूँ। तब लगा है कि अब एक पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। शुरुआत में सोचा था कि जेडन के लिए कोई ऐसा व्यक्ति खोजा जाए जो एक पिता के समान हो, जिसके साथ मैं स्कूल, मेडिकल जैसे फैसले ले सकूं। दलजीत कौर ने बताया कि जब मैंने पहली बार निखिल को देखा तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि उसने नीला नेल पेंट क्यों लगाया हुआ है। मुझे साफ साफ याद है, लेकिन बाद में पता चला कि वह 2 लड़कियों के पिता है। हम माता पिता के रूप में जुड़े और उस समय हमारे दिमाग में यह नहीं था कि हम दोनों सिंगल हैं और एक साथ रहना चाहते हैं। हमने बात करना शुरू किया एक दूसरे को माता पिता के रूप में जानते हुए और धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इसमें हमें कुछ समय लगा, लेकिन आखिरकार हम एक हो गए। दलजीत ने बताया कि निखिल के मन में भी तरह तरह के विचार थे कि मैं भारत से हूँ और यहाँ अच्छी तरह से सेटल हूँ तो क्या मैं बाहर जाऊंगी। उनके लिए मुझे यहाँ तक लाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने मुझे अपना करियर जारी रखने के लिए कहा है। मैं पहले से ही 2 वेब शो साइन किए हुए हैं। वह इस बात से ज्यादा खुश है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और काम कर रही हूँ।